हेलो गाइस, तो आज हम लास्ट पले मैप मायान टेंपल में जाएंगे। तो ये है मायान टेंपल, काफी ओल्ड लग रहा है और काफी बड़ा ये है शायद, लेकिन ट्रॉल पॉइंट से उतना बड़ा नहीं है। तो ये है मायान टेंपल और चलो देखते हैं इसमें। ओ, लेवल 20 के डायनामोस मिल रहे हैं हमें। वाव दोस्तों, मतलब ट्रॉल पॉइंट से तो अच्छा ही है लेवल 17 के। और ऊपर जाके देखते हैं और ये लेवल 18। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पर लेवल 18 से 20 के वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। ओ दोस्तों, ये स्टैचूज देख रहे हो, ऐसे डायनामोस तो फिलहाल तो गेम में नहीं है, लेकिन शायद बाद में आएंगे, क्या जानो। ओ ये तो एक नया डायनामो यूज कर रहा है, थंडर। काफ़ी पावरफुल है बुल टाइप दिखने में तो पावरफुल लग रहा है वैसे। वैसे ज़्यादातर नए डायनामोस के डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे हैं वैसे दोस्तों, क्या बोलते हो। और इस बार मैं इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकूंगा, बस जल्दी से जल्दी बॉस बैटल्स करके ये मैप बस कंप्लीट कर दूंगा ताकि वीडियो छोटा रहे। और नेक्स्ट बॉस बैटल किधर गए? अरे ये कौन है? ये तो शायद नया एनपीसी लग रहा है, ट्रैवलर। इसे हमने पहले नहीं देखा वैसे। और ये यूज़ कर रहे हैं मून बा, जो कि हमने ट्रॉल पॉइंट्स में देखा था वैसे। और चलो इसे भी हरा देते हैं, नया एनपीसी आ गया है इसलिए। एनपीसी नया है लेकिन एनपीसी तो एनपीसी ही रहेगा, इजीली हार जाएगा। स्टैचू वाले ये डायनामोस अगर सच में फ्यूचर में आए तो काफी कूल होगा ना दोस्तों। अरे नेक्स्ट बॉस किधर गया? ये मैप वैसे थोड़ा भुलभुलैया का तरह है। हाँ ये रहा, ये यूज कर रहा है लेवल 20 का फ्लेम बोर, जो कि है बोरिंग। और दोस्तों ये एक नया डायनामो यूज कर रहा है। ओहो, मैंने बैकफायर कर दिया, ये हिटने को थोड़ा ठीक करना होगा। और इस नए डायनामो का नाम है ब्लिट्स। तो अगर ये भी हमें वाइल्ड में मिला तो इसे हम जरूर पकड़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो हिटने को ठीक करते हैं। वो हो दोस्तों, एक बार में ये ख़त्म कर दिया क्रिम्सन ने, देखने ही नहीं दिया थोड़ा नया डायनामोन को। कोई बात नहीं, क्रिम्सन हो ही गया है ओवर पावर्ड, क्या कर सकते हैं। और क्रिम्सन और जेंस का हेल्थ थोड़ा कम हो चुका है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मेलाकाइट यूज कर सकते हैं, स्पाइडर भी यूज कर सकते हैं जेंस के बदले। और ग्रास टाइप वैसे आप देख रहे हो दोस्तों, मेरे पास बस मेलाकाइट है, तो यहाँ पर ग्रास टाइप शायद मिल सकता है हमें हाई लेवल का। ग्रास टाइप तो पकड़ूंगा ही। ओ नया डायनामो ना, लेकिन लेवल 18 का तो नहीं पकड़ूंगा, लेवल 20 का तो शायद मिल ही जाएगा। फ्लेम बोर नहीं चाहिए, लेवल 20 का मिले लेवल 20। चलो इधर देखता हूँ, लेवल 19 आर्माडिगो, इन्हें भी रास्ते में पकड़ना होगा, लेकिन आर्माडिगो शायद मेरे पास है। और ड्यूक्स भी है मेरे पास, हाई लेवल वैसे नहीं है, लेकिन वो नया मॉन्स्टर अभी नहीं मिल रहा है, तो चलो बैटल ही कर लेता हूँ। बहुत बैटल शैडो यूज कर रहा है वैसे, तो वाटर टाइप यूज करना होगा हमें, ग्लिक्सी। अरे इलेक्ट्रिक टाइप शैडो कब से इलेक्ट्रिक टाइप अटैक यूज करने लगा है? शायद लेवल 20 में अनलॉक होगा, लेकिन
ओके दैट्स मुझे नहीं पता था वैसे। तो चलो अब चलो नेक्स्ट बॉस को भी ढूंढते हैं। और मैलाकाइट और ग्लिक्सी का हेल्थ थोड़ा कम है वैसे, शॉकर डायल ही यूज़ करते हैं। चलो शॉकर डायल वैसे दिखने में भी कूल है थोड़ा। और यहाँ पर लेवल 20 का फल फ्रोस्ट जो कि हम नहीं पकड़ेंगे। और ये है नेक्स्ट बॉस बैटल। हो ये हमें लेवल ऑफ स्नैक भी देगा रिवार्ड में, काफ़ी बढ़िया है। और एक भी बॉस यूज़ करा है इलेक्ट्रिक टाइप, तो हमें कुछ और डायनामोन यूज़ करना चाहिए। ओ मैं तो दोनों के दोनों डार्क टाइप लेके आ गया, चलो कुछ चेंज कर लेता हूँ। कोबाल्ट को ले लेता हूँ। ओके चलो अब बैटल करते हैं। शॉकर डेल है और ओहो कोबाल्ट तो भी वीक है। ओके कोई बात नहीं, शॉकर डेल से ही ट्राई करते हैं। उसका लेवल 21 है वैसे। सोनिक शॉक यूज कर रहा है और इलेक्ट्रिक पंच। ओ रिचार्ज बी बॉट। बी बॉट को कंपेयर करना होगा इलेक्ट्रिक टाइप्स डायनामोन्स में। ओ स्पाइडेट ने मिस कर दिया। अरे अरे स्पाइडेट का तो इतना भी कर दिया। बी बॉट दोस्तों काफ़ी लकी डायनामोन है जैसे कि मैं बार बार बोलता ही हूँ। ओके पॉसन फाइट कर दिया। अब थोड़ा शायद कुछ ये कौन से एमिंग बढ़ाने का अटैक यूज कर रहा है। और अब क्रिटिकल पंच इलेक्ट शॉकर डेल ही यूज करना पड़ेगा हमको शायद। और शॉकर डेल से क्योंकि शॉकर डेल कम डैमेज लेगा। स्पार्क यूज कर रहा है वो भी इलेक्ट्रिक टाइप यूज कर रहा है और हम भी इलेक्ट्रिक टाइप यूज करेंगे। और बीवर तो गया। ओ फायर टाइप, तो अब तो कोबाल्ट यूज करना होगा क्योंकि स्पाइडेड ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड है। तो हमने इसे भी हरा दिया। और चलो अब ऊपर जाते हैं लेकिन टीम को थोड़ा चेंज करना होगा। टीम हील हो चुका है और चलो अब क्रिमसन को भी ले लेते हैं, जेंस को और क्लिक से लेता है। ये तो अभी हमारे पास फिलहाल तो बस यही लेवल 20 के डायनामोन्स है और यही हमारे स्ट्रांगेस्ट टीम है। तो हम हमारे स्ट्रांगेस्ट टीम लेके जाएंगे अब। और मैं इधर कैसे आ गया वैसे, बहुत दूर आ गया हूँ। ये नए डायनामोन्स कुछ पकड़ने होंगे, मिल नहीं रहे वैसे अभी भी। लेवल 19 का स्पार्क ऐड नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए जी। अरे बॉस बैटल है तो इसे भी चलो बैटल ही कर लेता हूँ। टीम तो ठीक ही है। और ये थोड़ा शार्ट्स देगा वैसे। ओ नया डायनामो टोपास जर्बो। ये कुछ लंबा सा नाम है एक्चुअली इस डायनामोन का और कभी अजीब सा भी। टोपास जर्बो ओके। और ये वाटर टाइप है तो हम जेंस की यूज कर रहे हैं, चलो ग्लिक्सी ही यूज करते हैं। ओपोनेंट सिक है तो विजर्ड से एक्स्ट्रा डैमेज भी हमें मिलेगा और उसका डिफेंस थोड़ा कम हो चुका है तो नेक्स्ट अटैक्स हमारे और ज़्यादा डैमेज करेंगे। और वो भी हमारा अटैक कम कर रहा है वैसे, लेकिन हम फ्रोजन मिस्ट यूज़ करके उसका भी अटैक कम कर देंगे।
और ये नया डायनामोन भी मुझे बहुत ही क्यूट लग रहा है। वैसे देखो दोस्तों, और इसका नेक्स्ट डायनामोन 9 टॉयज तो बुलाता है क्रिम्सन को। तो हमने दोस्तों इसे भी हरा दिया, और लेवल 30 क्रिम्सन होने की वजह से ये सारे बैटल्स अब बोरिंग हो चुके हैं। वैसे तो हमने शायद सारे बॉस को हरा दिया और अब शायद बस ये फाइनल बॉस ही बचा है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके इसे भी जल्दी से हरा देते हैं। क्लॉड टोल्ड मी यू माइट बी क्लोज बिहाइंड। इसका नाम है फ्रेडरिक और ये क्लॉड को पहचानता है। वैसे Pity he couldn't see you himself, but we have business to do. कौन सा बिजनेस भाई? मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मैं तो डायनामोन ट्रेनर हूँ। I'm sure you are also here seeking information on the what caused it. पता नहीं ये क्या बकबक करने जा रहा है, अभी इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और इसका पहला डायनामोन ही है लेवल 23 का वॉल फ्रोस्ट, तो ग्लिक्स ही यूज़ करना पड़ेगा। और ग्लिक्स का हेल्थ थोड़ा कम है तो मैं बंकर बेरी भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि डिफेंस बढ़ जाए। वो काफ़ी कम डैमेज दे रहा है वैसे। ओहो चलो अटैक भी इसका थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि अगर इसी गया तो बाकी दोनों डायनामोन्स के लिए बस पढ़ाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। और ग्लिक्स के पास एवलांच है तो उससे इसका डिफेंस और कम हो जाएगा। पर फर्स्ट का काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया वैसे। चलो फ्रोजन मिसाइल का अटैक और भी कम कर दूंगा, तो आसानी रहा वैसे। और अब इसका नेक्स्ट डायनामोन एक क्रॉस टाइप है स्नेक। आप लोगों ने ये बताया था कि स्नेक काफ़ी अच्छा क्रॉस टाइप है, तो चलो इसे भी पकड़ लेता हूँ। लेकिन ये तो पहले ही हिट हो गया क्रिम्सन से, इसे मैं पकड़ूंगा। स्नेक चाहिए और ख़त्म हो गया बेचारा बस 3 ही मूव से। ओहो नया डायनामोन दोस्तों ग्रिफॉन, तो ये शायद मेन डायनामोन है इस मैप का। देखने में तो काफ़ी कूल है वैसे, हमें शायद पकड़ने को मिलेगा। लेकिन 1124 तो ज़रूर नहीं मिलेगा, मुझे पता चल गया है मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से। लेवल 20 के शायद मिलेगा। ओह एक बार में ख़त्म हो गया बेचारा। तो हमने ये मैप बहुत जल्दी हमने ख़त्म कर दिया दोस्तों, मतलब कुछ ज़्यादा था नहीं वैसे। वे डिड यू हियर दैट? यस आई नो यू वोंट, बट दैट लाउड क्विकिंग नॉइस, देयर वाज अ लाउड क्विकिंग नॉइस आउटसाइड, आई हैव टू गो एंड चेक इट आउट, टेक योर प्राइस एंड गो, आई फाउंड ग्रिफॉन इन दिस रूम, मे बी यू कैन टू। क्या जाने क्या ही बकबक कर रहा है, शायद ये मायन टेम्पल अनलॉक होने की बात कर रहा है। मतलब स्टोरी तो कंटिन्यू होगा ही, जो कि दिख ही रहा है मायन टेम्पल आने वाला है कुछ दिनों बाद। उससे पहले ही मुझे कंप्लीट करना है ये गेम। तो चलो ग्रिफॉन तो अभी पकड़ना बाकी है, ग्रिफॉन को पकड़ने जाते हैं। और हमें मिल गया है लेवल 20 का स्नेक, तो इसे मैं ज़रूर पकड़ने का ट्राई करूँगा। और अब हम यूज़ करेंगे पोकेबॉल, और शायद हमने पकड़ लिया स्नेक। ग्रास टाइप था तो इसलिए मैंने पकड़ ही लिया। ओ
और चलो अब फिर से ढूंढते हैं ग्रिफॉन। और दोस्तों फाइनली हमें ग्रिफॉन मिल चुका है, पहली बार ही मिल रहा है लेकिन लेवल 20 मिल रहा है, तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, पकड़ ही लूंगा। और रैमेसिस तो स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके पास इनफ्लेम भी है जो कि ये काफी अच्छा फायर टाइप मूव है, मतलब ये हील भी करता है और आपका अटैक भी बढ़ाता है, तो अच्छा ही है। और रैमेथिस्ट का हेल्थ अब कम हो चुका है, तो स्पाइडेट को ले आते हैं और अब शायद ठीक होना चाहिए, मतलब ये हेल्थ ठीक ही है। तो चलो अब पोकेबॉल यूज़ करते हैं, पता नहीं एक बार में आएगा या नहीं। ओह वाओ, वह एक बार में ही आ गया, दैट्स ग्रेट। तो हमने दोस्तों सक्सेसफुली ग्रिफॉन भी पकड़ लिया। तो दोस्तों ये रहा ग्रिफॉन, आप देख ही सकते हो इसका अटैक्स, और इनमें से मेरा फेवरेट अटैक स्मोक स्क्रीन नहीं है, क्या है इसका नाम, इनफ्लेम है। तो लेकिन बेकार अटैक्स में से बस ये बाइट ही है, बाकी सब अटैक ठीक ही है वैसे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं पोकेडेक्स कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सारे डायनामोस नहीं पकड़े हैं अभी तक, और मैं कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हेल्दी, टाटा, गुड बाय।